मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे कुर्तीस के और साड़ी के हॉल वीडियो बनाए थे, तो उस पे मुझे कुछ लोगों के रिक्वेस्टेड आए कि मैम आप फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन साड़ी की रिव्यूज़ कीजिए। तो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ साड़ियाँ मंगाई हैं, तो उसमें से मुझको कुछ साड़ियाँ मिल गई। तो उसमें से वो पहली साड़ी ये है, इस पिक में आप देख सकते हो, ये वाली साड़ी है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है। मैंने कुछ साड़ियाँ मंगाई पर ये पहली साड़ी है मुझे अब भी मिली है। तो मैंने सोचा इसकी आपके के सामने अनबॉक्सिंग करूं और आपको बताऊं कि ये साड़ी रियल में कैसी है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन इसको जब फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन सर्च किया तो इसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे थे और मुझे भी काफ़ी पसंद आई ये साड़ी। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ये साड़ी कैसी दिखती है। तो मैं कुछ इस तरह से पैकेट आया है, ये तो बिल है, दिखने में तो बिल्कुल सेम ही दिख रही है जैसे पिक में दिख रही है वैसी ही ये साड़ी मुझे मिली है। अब मैं इसे ओपन करके देखती हूँ। ग्रीन कलर की साड़ी है, ग्रीन भी नहीं बोल सकते थोड़ा, हाँ बट थोड़ा यू नो ब्लूइश ग्रीन कलर का है। और आप देख सकते हो इसकी बॉर्डर कितनी चौड़ी है और इसमें ब्लैक लाइन की इसे पट्टी उदी हुई है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसी है। और ये काफ़ी ये कॉटन सिल्क है तो यू नो काफ़ी सॉफ्ट भी है। मुझको इसका जो फैब्रिक है फैब्रिक काफी अच्छा है इसका। तो चलिए ओपन करके देखते हैं। आई थिंक ये इसका पल्लू आप देख सकते कितनी चौड़ी बॉर्डर है, बिल्कुल आहा पिक में दिखाई वैसी ही है। और ये साड़ी 5.5 मीटर लंबी है और इसमें ब्लाउज पीस भी अलग से 80 मीटर का है, तो ये लगभग 6.5 मीटर की तो होगी ही, आप देख सकते हो काफी। और इसमें अलग से ब्लाउज तो दिया नहीं, ब्लाउज का इसी में दिया हुआ है साड़ी में, तो आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हो। तो ये मुझे अच्छी बात लगी, अगर यू नो आप जिस भी साइज के हो आप अपने साइज के हिसाब से अपना ब्लाउज कट कर सकते हो। और इसका ब्लाउज भी सेम आप इस बॉर्डर के हिसाब से आप अपना ब्लाउज स्टिच करा सकते हो, जैसे कि ये आपके हाथ पर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी इस साड़ी की। और काफ़ी प्रीटी साड़ी है, आप देख सकते हो काफ़ी लंबी साड़ी है और इसमें शाइन भी है बिल्कुल, और काफ़ी अफोर्डेबल है। मेन ये साड़ी काफ़ी अफोर्डेबल है, ये साड़ी आई थिंक अंडर 500 की है। तो मुझे यू नो इस प्राइस के हिसाब से ये साड़ी काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो पहनने के बाद काफी अच्छी लगेगी। तो मैं ये साड़ी का जो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप वहां से चेकआउट कर लेना या फिर आप परचेज भी कर सकते हो। तो मुझे काफी ओवरऑल ये साड़ी काफी अच्छी लगी। तो दोस्तों, पहनने के बाद ये साड़ी कुछ ऐसे दिखते हैं, काफी कंफर्टेबल है पहनने में और काफी सॉफ्ट भी है और दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती है, मुझे काफ़ी पसंद आई।
आई होप आपको भी ये साड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये साड़ी पसंद आई होगी तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक